Assalamualaikum dear students. Today's topic is accounting cycle, and I am your course instructor Muhammad Wajid Raza. Course name is Financial Accounting. What is an accounting cycle? The accounting cycle is a collective process of identifying, analyzing, and recording the accounting events of a company. It is a standard nine-step process that begins with the transaction.

और फिर उनके रिजल्ट कम्यूनिकेट करता है तमाम स्टेक होल्डर्स को अब ये तमाम जो प्रोसेस है ये मुख्तलिफ स्टेप्स से होकर गुजरता है और उन स्टेप्स को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं ये स्टेप्स अमूमन नाइन स्टेप्स ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल अमूमन नाइन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और हर एक अकाउंटिंग एक पीरियड में ये अकाउंटिंग साइकिल हमने कम्प्लीट करना होता है अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे ही एक, एक ट्रांजेक्शन होता है तो अकाउंटेंट उसको आइडेंटिफाई करता है यहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है फिर वो उनको मुख्तलिफ बुक्स में रिकॉर्ड करता है फिर उसके बाद वो उनको समराइज करता है फिर उसके बाद वो इन तमाम रिजल्ट समराइज किए गए रिजल्ट को कम्यूनिकेट करता है और फिर अपने अकाउंट्स को क्लोज करता है तो जैसे ही क्लोजिंग होती है इसमें एक अकाउंटिंग एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है इन तमाम स्टेप्स को गुजरने में हमें मतलब नाइन स्टेप्स होते हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है और इन तमाम

चौथे स्टेप पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं पाँचवें स्टेप में एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं छठे स्टेप में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सातवें स्टेप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आठवें स्टेप में हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं और नौवें स्टेप में हम ये एक क्लोजिंग uh, के बाद ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाते हैं आपने इन तमाम स्टेप्स को मेमोराइज करना है इन्हीं स्टेप्स से गुजरते हुए एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन इन तमाम स्टेप से गुजरता है अब इसमें कुछ लोग छठे या पांचवें स्टेप के बाद वर्किंग वर्किंग शीट भी बनाते हैं जहां से हमें अपने गलतियों का अंदाजा होता है और उस वर्किंग शीट के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आप वो भी बीच में डा सकते हैं नहीं तो उसके बगैर भी आप अपने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं तो आइए अब इन स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा इस लेक्चर में पढ़ते हैं आगे जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ता जाएगा हर एक स्टेप पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे तो ये अकाउंटिंग साइकिल कुछ तरह मैंने कहा नाइन स्टेप्स हैं या फिर कुछ लोग इसको आठ स्टेप्स में भी लिखते हैं इनको आप इस तरह से ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि शुरू कहाँ से हो रहा है अकाउंटिंग और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ कलेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग साइकिल का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अकाउंटेंट नज़र दौड़ाएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसको कलेक्ट करेगा अब ये ट्रांजेक्शन कैसे कलेक्ट होते हैं इसके मेजर सोर्सेज हैं आपने इन्वाइस देखने हैं आपने वूचर्स देखने हैं आपने सेल्स रजिस्टर देखने हैं वहाँ से आपको ये मालूम हासिल होती हैं कि ट्रांजेक्शन कहाँ पर हो रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट के हो रहे हैं ट्रांजेक्शन क्या चीज़ है मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं आप कोई चीज़ खरीदते हैं ये ट्रांजेक्शन है कोई चीज़ बेचते हैं ये ट्रांजेक्शन है सैलरीज पे करते हैं रेंट पे करते हैं टेलीफोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ये तमाम ट्रांजेक्शन कहलाते हैं और आपने पहले स्टेप में इन आ, एक, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है सेकेंड स्टेप आता है कि आपने उसको फटाफट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एंटर करना है मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड क्या चीज़ें हैं इनके टाइप्स कितने हैं अगर आपको नहीं याद तो आप इस स्लाइड के एंड पे दिए गए लिंक को क्लिक करें यह आपको उस वीडियो पे ले जाएगा तो जो सबसे पहले बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसको हम जनरल जर्नल कहते हैं जैसी ट्रांजैक्शन होगा उसको हमने समझना है कि ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज़ें इफेक्ट हुई है और उसके बाद आपने फटाफट उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर लेना है जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए आपने उसके फॉर्मेटिंग का बहुत ख्याल रखना है पहले कॉलम में डेट सेकेंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हर एक ट्रांजेक्शन को हमने डबल इंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करना होगा मतलब कि जितने अमाउंट पे हम ट्रांजेक्शन क्रेडिट करते हैं उसी अमाउंट पे वो डेबिट भी होगा अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है तो आप पिछला लेक्चर जो नीचे लिंक दिया है इस पर क्लिक करें ताकि आपको पूरी समझ आ सके उस वीडियो में मैं जनरल की एक प्रॉपर शेप भी बता दी है जैसी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होता है आप पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने ये एंट्री जनरल जर्नल से जनरल लेजर पे पोस्ट करनी होती है पोस्टिंग से मुराद है वो प्रोसेस जिसमें हम एक इन ट्रांजेक्शन जनरल जनरल से लेके जनरल लेजर में पोस्ट करते हैं जनरल लेजर आप दो तरीकों से बना सकते हैं आप रनिंग अकाउंटिंग बैलेंस जो रनिंग फॉर्म होता है उस तरीके से भी आप अपना जनरल लेजर मेंटेन कर सकते हैं या आप सिंपली टी अकाउंट बना सकते हैं तमाम एसेट्स लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी के लिए हर एक टी अकाउंट में अलहदा सिर्फ एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं आ, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा जैसे ही जनरल लेजर बनता है उसके बाद हमने चौथे स्टेप में ट्रायल बैलेंस बनाना होता है ट्रायल बैलेंस क्या चीज है ये एक सिंगल पेज स्टेटमेंट होता है जो आपके पूरे रिकॉर्ड से मतलब जनरल जर्नल और जनरल लेजर से ट्रायल्स लेता है यह चेक करता है कि क्या आपने जनरल जर्नल और जनरल लेजर सही मेंटेन किए हैं क्या आपने तमाम एंट्रीज को डबल एंट्री सिस्टम से किया हुआ है या कोई मिसिंग है या फिर क्या आपने तमाम ट्रांजेक्शन जनरल जर्नल से जनरल लेजर पे पोस्ट किए हैं कि नहीं किए अगर पोस्ट किए हैं तो वो सही पोस्ट हुए हैं या उसमें गलती है तो एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने तमाम रजिस्टर दोबारा लफ बलब्स पड़े और उसमें गलती ढूंढे यह बड़ा मुश्किल हो जाता है अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल uh, बैलेंस एक बहुत ही बेहतरीन टूल है ये इस तरह का टूल है कि आप जस्ट एक पेज स्टेटमेंट बनाते हैं और वहां से आपको फटाफट पता फटा चल जाता है कि जो पिछला आपका रिकॉर्ड है वो आपने सही मेंटेन किया है या आपने वो रिकॉर्ड गलत मेंटेन किया है ये जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये एक पेज इसमें आखिर में दो बैलेंसेज uh, आते हैं मतलब राइट right साइड पे हम कुछ फिगर्स लिखते हैं फिर लेफ्ट साइड पे टेबल सा बनाते हैं सिंपली टेबल के राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम एसेट्स वगैरह लिखते हैं एसेट्स और एक्सपेंसिस राइट साइड पे हम लाइबिलिटीज और चीजें लिखते हैं और फिर आखिर में हम इसको एड करते हैं तो अगर ये दोनों का बैलेंस एक जैसे आए तो यह शो करता है कि आपका रिकार्ड सही हो चुका है अगर ये बैलेंस सही नहीं आता तो इससे ये पता चलता है कि रिकार्ड में कोई गलती है और फिर उस गलती को निकालने के लिए हम दोबारा रिकार्ड चेक करते हैं उसके मुख्त स्टेप्स हैं वो इनशाला जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो उस वक्त जनरल डिस्क्रिप्शन भी समझा दूंगा ट्रायल बैलेंस का शेप कैसे है वो भी दिखा दूंगा बनाते कैसे हैं और अगर गलती होती है तो वो गलती कैसे है ये जब हम 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 में देंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा trial balance के बाद हम adjusting entries करते हैं हैं किसे कहते सो एट पीरियड एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड आर द रिजल्ट मेड ऑन वर्कशीट रिजल्ट्स फ्रॉम पैसेज ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल इन एडजस्टिंग एंट्री में अगर

जिन सब को ठीक जिन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग लिया है तो बिल्डिंग को तो आप हिस्टोरिकल कास्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन अगर एक साल गुजर जाता है तो एक साल बाद ये बिल्डिंग भी आप कुछ हद तक यूज कर लेते हैं इस बिल्डिंग की जो ओरिजिनल वर्थ है वो कम हो जाती है वो आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है तो अब ये जो बिल्डिंग का एक खास हिस्सा एसेट से एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो चुका है इसको रिकार्ड करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे या एक और मिसाल यह आ सकता है कि आपने किसी से एडवांस पेमेंट ली है जिसको हम अनअर्नड रेवेन्यू कहते हैं यह भी आपने कमाई नहीं है आपने एडवांस पेमेंट एक बंदे से ली है तो वो आप उसको अपने कमाई नहीं कह सकते वो आपकी एक लाइबिलिटी है तो अगर एक साल गुजरता है और आपकी जो एडवांस पेमेंट ली है उसमें आप कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो जो पूरी पेमेंट आपने ली है उसमें आपने वो थोड़ा सा हिस्सा जो अभी आपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर लिए हैं वो आपने एक्चुअली कमा लिया है तो ये जो हिस्सा आपने कमाया लिया है तो यही हम हमअर्न रेवेन्यू से कन्वर्ट करेंगे और यहां पे जो एंट्री होगी उसको हम एडजस्टिंग एंट्री कहेंगे इन जब ये हम पढ़ेंगे उसके बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज से बात करेंगे इनको रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी सीखेंगे और इनके टाइप्स कितने उस पर भी बहस करेंगे यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिए बैलेंस बनाना होता है और इस ट्रायल बैलेंस को हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस

अकाउंटिंग के डिफीनिशन में हमने कहा था कि हम रिजल्ट करेंगे और समराइज करने के बाद उन रिजल्ट को हम जनरल पब्लिक या जो पे तमाम स्टेक होल्डर उनको कम्युनिकेट करेंगे उनको भिजवाएंगे तो अभी जाहिर है आपके लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगे आप वो तमाम ट्रांजेक्शन वो तमाम किताबें तो आम लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना ये पॉसिबल है और ना इसका कोई फायदा है तो आप क्या करते हैं अपने तमाम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं ये आपको इनशाला हम सिखा देंगे ये पूरे जितने ट्रांजेक्शन होते हैं ये फिर आराम से चार पांच पेजेस में समराइज हो जाते हैं और जो हम इनको समराइज फॉर्म होते हैं उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये एक एक पेज डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है या फिर एक और किस्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो भी एक पेज होता है लेकिन वो आपकी कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रहा होता है इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन पेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके कंपनी के बारे में आपको मुख्तलिफ प्रोवाइड करते हैं मुख, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं एक 25, 30, 50, 100, जितना मर्जी वो बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम पांच तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर बनाते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम आम लोगों को भिजवाते भी हैं वो पांच किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से है यह नाम आपने मेमोराइज करना है एक है बैलेंस शीट दूसरा है इनकम स्टेटमेंट तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और पांचवा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अब ये पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हर एक स्टेटमेंट तकरीबन एक पेज का होता है और ये हर एक स्टेटमेंट आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन देता है सपोज आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट आपको किस चीज़ के बारे में बताता है बैलेंस शीट आपको एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या ये कंपनी फाइनेंशियली कमजोर है ये एक पेज डॉक्यूमेंट होगा जो आपको ये बताएगा स्पेसिफिकली बैलेंस शीट में आप क्या बताते हैं कि पूरे कंपनी के पास पूरे एसेट्स कितने हैं उन एसेट्स में गाड़ियां कितनी है जमीन कितनी है बिल्डिंग कितने हैं मशीनरी कितनी है कैश कितना है कर्जे कितने हैं और इसके साथ साथ वो आपको ये भी बताता है कि कारोबार पे कर्जे कितने हैं कि मतलब एक तो कारोबार के कर्जे लोगों पे होते हैं वो भी बताएगा लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि लोगों के या फिर दूसरे कंपनीज के या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के इस कंपनी पे कर्जे कितने हैं ये आपको वो बताएगा बैंक से कितना लोन लिया है अकाउंट पेबल कितने हैं नोट पेबल कितने हैं इसके साथ आखिर में ये एक और चीज़ के में बता रहे के बारे में बताएगा जिसको ओनर इक्विटी कहते हैं कि ये जो कारोबार है इसमें मालिक के पैसे कितने तो बैलेंस शीट तीन चीज़ों के बारे में बताता है एसेट्स लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी इन तीन चीजों के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन देगा इंशाल्लाह इस पे भी डिटेल से एक अलग लेक्चर देंगे हम एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट आपको कंपनी के बारे में बताता है कि इसका प्रॉफिट कितना है आया इसने प्रॉफिट किया है या नहीं किया या इसने लॉस किया है तो प्रॉफिट और लॉस का पता तब ही चलता है जब हमें रेवेन्यू का पता हो तो इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया गया होगा कि एक साल में इस कंपनी की रेवेन्यू कितनी है इस साल में इसके एक्सपेंसेस कितने हैं तो ये वो रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करेगा और आखिर में आपको क्लियर बता देगा कि प्रॉफिट इस पर कितना आया है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी आपको बताता है कि इस कंपनी में मालिकों के पैसे कितने हैं इस कंपनी के मालिक कितने हैं उन मालिकों के जो पैसे हैं, उनकी जो ओनर इक्विटी है उनके बारे में पूरे डिटेल्स ये एक पेज में बताएगा

इस पे भी इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर लेंगे आज के लिए इतना ही इसको समझें कि आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हम जब ये आफ्टर एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो जितने स्टेटमेंट बनाना चाहे बना सकता है लेकिन मिनिमम फाइव वो स्टेटमेंट्स वो जरूर बनाएगा और जनरल पब्लिक तक कम्युनिकेट करेगा और उनके नाम नीचे स्लाइड में दिए गए हैं बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कंपनी क्या करती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिकॉर्ड्स को क्लोज करता है फिर दो तरह के अकाउंट होते हैं एक को परमानेंट अकाउंट कहते हैं एक को टेम्प्ररी अकाउंट कहते हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज में जो टेम्प्ररी अकाउंट्स होते हैं उनको आपने क्लोज करना होता है उनका बैलेंस आप जीरो पे लेके आते हैं ताकि नया साल जब शुरू शुरू हो तो वो अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर हो पिछले साल का हिसाब किताब खत्म हो नए साल में हम नए सिरे से वो हिसाब किताब शुरू करें तो ये याद रखिए अकाउंट्स के दो टाइप्स होते हैं एक परमानेंट अकाउंट और एक टेम्प्रेरी अकाउंट तो परमानेंट अकाउंट्स को अपने क्लोज नहीं करना परमानेंट अकाउंट में आपकी गाड़ियाँ आपकी बिल्डिंग्स आपके जो बड़े बड़े एसेट्स हैं ये आते हैं टेम्प्रेरी अकाउंट्स में जिस तरह आपका रेवेन्यू अकाउंट है एक्सपेंस अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये टेम्प्रेरी अकाउंट कहलाते हैं इनको आपने क्लोज करना होता है क्लोजिंग एंट्रीज के बाद आप एक मतलब अपनी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस असल में आपसे टेस्ट ले, आप, टेस्ट लेता लेता है आपके अकाउंट से कि जो आपने क्लोजिंग एंट्रीज किए हैं जो अकाउंट्स आपने क्लोज किए हैं वो सही तरीके से क्लोज किए हैं या नहीं या इनको क्लोज करते हुए आपसे कोई गलती तो नहीं हुई तो अगर आपका ये ट्रायल बैलेंस ठीक आता है इसका बैलेंस दुरुस्त आता है तो ये बता देता है कि आपने क्लोजिंग एंट्रीज सही किए हैं थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब चैनल Excel विद शाम या मैनेजमेंट Sciences एस बी पे जाए वहाँ पे कमेंट करें मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा इसके अलावा आप मुझे ई मेल भी कर सकते हैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कै